8 नवंबर 2016 मेरे साथ तो बहुत सारे इंसिडेंट्स से रिलेटेड हैं, मतलब जिस एटीएम में जाना पैसे खत्म खत्म पैसे खत्म पैसे खत्म, घर वाले नहीं देते थे, बोलते थे कि नहीं अभी पैसे नहीं है पैसे नहीं पैसे तो नहीं है। उसको बारह बोलती थी कि जाके तो एटीएम में लग, मैं तेरे को पक्का 100 या 200 रुपए अच्छा तेरे को 500 रुपए ज्यादा दे दूंगी। बनारस जाना था, घर वालों से झूठ बोल के कि कॉलेज वाले भेज रहे हैं, लेकिन कॉलेज वाले नहीं भेज रहे थे, तो मैं धीरे 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 हर महीने पैसे सेव कर रही थी। फिर एकदम से मोदी जी ने बम फोड़ दिया। मैं अपने पेरेंट्स से पैसे छुपा छुपा के, नहीं पापा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास नहीं है अभी भी, बट फिर भी मेरे पास होते थे, मैं अपने पास इकट्ठा करके रखती थी, चलो मुझे काम आएगा। जब एकदम से रात में पता चलता 9 बजे कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब पैसे कहाँ से, क्या बताऊँ घर पे, क्या बताऊँ, हाँ पापा नहीं है पैसे, नहीं है पैसे, कल तक पैसे नहीं थे, आज पैसे हैं। 9 नवंबर को मेरा बर्थडे था, तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया। बेस्ट पार्ट ये था मेरे को किसी को ट्रीट नहीं देनी पड़ी, और वर्स्ट पार्ट ये था कि मेरे को कोई गिफ्ट्स भी नहीं मिले। मेरी एक दोस्त ने क्या किया था कि वो बैंक में गई, बैंक में इतनी लंबी लंबी लाइन है, तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक लड़का एक काम करता था बैंक में ही, तो उसने उसको पटा लिया। और वो क्या करती थी, वो कैश ले जाती थी, उसको देती थी, और 100-100 के नोट्स ले आती थी। उसने अपने नोट्स से एक्सचेंज कराए भी, और हमारे जैसे बहुत सारे दोस्तों का भला भी किया, उसकी खूबसूरती काम आ गई। पापा को दिए 1000 रुपीज़ चेंज कराने के लिए, पापा ने मुझे वापस नहीं किया अभी तक।